ना सिस्टर को भी केक खिला देते हैं। लो सिस्टर फटाफट से तुम भी टेस्ट करके बताओ। भाई ने कार चला रही है भाई, वैसे तो चला नहीं आती है। मैं ऊपर दूंगा बच्चों के। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने बर्थडे वाले दिन के साथ। वैसे अभी नहीं है बर्थडे मेरा ना, एक घंटे बाद है, मतलब कि जब 12 बज जाएंगे ना तो मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा और मैं ना 18 साल का हो जाऊंगा, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, मेरी बहुत सारी चीज हो जाएंगी। ये समझ नहीं आ रहा क्या, मेरा बर्थडे आ गया और लेकिन क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये देखो 11:10 हो रहे हैं और लेकिन मुझे ये नहीं पता कि करें क्या। 22 बार का बर्थडे पता नहीं कैसे हो गया, बोर बोर सा कुछ समझ नहीं आ रहा। चाहने वाले जो तुझे जितना चाहते हैं वो काम है। कौन से चाहने वाले? किससे निकलवा? अब्बू से। भाई अम्मी कह रही है कि अब्बू से जा और मोटी मोटी गड्डी लेके आ जो बर्थडे सेलिब्रेशन करे। भाई इस बार तो वैसे कोई प्लान नहीं है बर्थडे कुछ भी करने का, बिल्कुल भी नहीं करने का। जैसे अपना नॉर्मल होता है ना, घर पे लाके ना केक काट देंगे या वो भी नहीं काटेंगे, चलो जो होगा ना वो कर देंगे। जो हमारे शादी के फोटो थे ना वो आ चुके हैं। तो भाई मैं किसी अपने दोस्त का ना लैपटॉप लेके आ चुका था, क्योंकि जो हमारे लैपटॉप था ना वो खराब हो चुका है बिल्कुल, उसमें फोटो वोटो नहीं आ रहे। तो ना मैं इम्पोर्ट फोटो कर रहा हूँ, तो जब वो फोटो आ जाएंगे ना मैं आपको जब दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगा ये वाले फोटो। मैं बहुत अच्छी अच्छी रील शूट करवाई थी, फोटो खिंचवाए थे, वो आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर। यान व्लॉग आईडी जल्दी से आगे फॉलो कर लो, 31,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए ना वो भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। आपसे एक बात पूछनी है कि मैं जो भाई जो मैं तेज बोलता हूँ ना, ये तो वैसे तो मैं बोलता ही हूँ, ये हल्का करूँ या तेज बोलता रहूँ? क्योंकि बहुत लोगों की कमेंट आती है कि भाई ना थोड़ा ना हल्का हल्का बोले करो, समझ नहीं आता। भाई अब मैं ना ये वाले व्लॉग में कोशिश करूंगा हल्का हल्का बोलूंगा। अब क्या करें भाई, शुरू से ना बले 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 तेज तेज बोलने की आदत है। थोड़ा आराम से बोल, साफ साफ, मतलब जो लोग पता चले क्या बोल। ये वाली कोशिश करेंगे बिल्कुल आराम आराम से, नहीं तेज तेज बोलूंगा, लेकिन ऐसी चीजें बोलूंगा जो आप लोगों को समझ आ जाए। लग रहा ना मेरा ना भाई किसी को नहीं पता घर वालों के अलावा कि मेरा आज बर्थडे है। बाकी तो इंस्टाग्राम पर पता चल जाएगी 12:00 कितनी स्टोरी लगेंगे धपा धप करके। भाई इतनी स्टोरी लगती है माशाल्लाह से। पिछली बार भी मेरा ना इंस्टाग्राम हैंग हो गया था, मैं स्टोरी ऐड नहीं कर पाया था, क्योंकि 100 के बाद ना स्टोरी हटने लग जाती है। तो इस बार भी देखते हैं यही होगा या इससे भी ज्यादा होगा। फोटो दूसरी पेन ड्राइव करते करते मैं बच चुके हैं पूरे 12 और मैंने इंस्टाग्राम पे देखा इतनी पब्लिक ने एकदम से स्टोरी मेंशन कर दी। मैं जो लग रहा भाई किसी को भी याद नहीं, चलो आपको भी दिखा देता हूँ मैं। देखो भाई मैंने अपना फोन ले लिया और टाइम हो रहा 12:09। चलो भाई इंस्टाग्राम खोलने का टाइम आ चुका है। 1, 2, 3। अरे अरे तो रील आ गई। ये देखो भाई देखो 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 कितनी पब्लिक पागल हो चुकी है। ये देख रहे हो भाई, ये देखो टोटल भाई पब्लिकों ने ना मुझे विश करने चालू कर दिए, लेकिन मैंने अभी तक ना किसी की भी स्टोरी बैक नहीं करी है क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। देखते हैं भाई फर्स्ट स्टोरी किसकी बेक आती है। चलो ये 1, 2, 3 ये देखते हैं। और भाई वाली रील ना मेरी बहुत वायरल चल रही है अल्लाह के शुक्र से। ये पहली स्टोरी आती है हमारे अरशान भाई की, तो सबों की भाई ऐसी स्टोरी आ रही है। चलो भाई फटाफट से मेंशन बैक दे देता हूँ। सब जितने भी मुझे विश करोगे मुझे पता है वो तो मुझे अगले दिन ही मिलेगी, क्योंकि आप मेरे वाले व्लॉग देख के ही तो करोगे। चलो फटाफट से भाई, अब मुझे कुछ काम नहीं करना, आपसे मिलते हैं सुबह को या भी थोड़ी देर बाद मिल जाऊंगा। कुछ थोड़ा बहुत हरकतें करनी होंगी तो वो कर लेंगे, बाकी मुझे स्टोरी मेंशन करना तो अभी इनमें बहुत टाइम लगने वाला है। भाई आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है मेरा बर्थडे, तो हमारे जेनुल भाई सबसे स्पेशल गिफ्ट लेकर आ चुके हैं। देखो रातों को ना घूमते रहते हैं, तो इन्होंने भाई बर्थडे देखा कि मेरा बर्थडे, तो यहाँ पे लेके आ चुके हैं भाई। 500 रुपए पेटीएम करवाया था ना मुझसे, क्यों जुड़ो। तो भाई यहाँ पे केक लेके आ चुके हैं और अब यहाँ पे आके कह रहे हैं कि व्लॉग तो भूल गया मैंने, कि कोई बात नहीं रिहानी सही है। और अभी इसे केक कट करेंगे, गाने वाने बजा के अभी एक दो भाई और आ रहे हैं ना, सबके साथ काटेंगे तो मजा सा। तो भाई इन सबको मैंने लालच दिया था कि भाई बिरयानी की देख हमने बनवा रखी है, तो भाई इतनी तेज की भाग तो हुआ है मैंने, चलो कोई नहीं बिरयानी तो मैं सुबह खिला दूंगा 250 रुपए की। और इन्हें भी ना मैंने बुलाया, इन्हें इतनी शर्म नहीं है कि एक छोटी सी पेस्ट्री लिया है कुछ। हाँ 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 शर्म तो है नहीं, भाग कर आ गए वाले इंसान पार्टी देते हैं। ये तो गरीब है, चलो कोई नहीं कल कर लेना पक्का कल। हाँ है अम्मी क्या कह रही है? अरे गाने वाला है, 1,000 रुपए का केक लाए, महंगा वाला, महंगी बातचीत है। नहीं भाई देखो केक कितना प्यारा रहा है, ईमानदारी से रिहान लिखवा रखा है और उसके ऊपर ही पता नहीं क्या डल रहा है, बट अभी हम खाकर टेस्ट बताएंगे कि कैसा हो रहा है। देखो माशाल्लाह से। चलो अभी भाई एक दो भाई और आ रहे हैं, उन्हें बुलाते हैं फिर केक कट करते हैं। एंड भाई शुक्रिया दिल से, आपने हमारे लिए 250 वाला केक लाया, सॉरी 1,000 वाला केक लाया। को मोटी पार्टी चाहिए और मैं कह रहा हूँ मैं तो सो जाऊंगा। कार ना गली के बाहर लेके आ रहे हैं, क्योंकि भाई गली में ना ज्यादा तेज ना गाने बजा नहीं सकते, तो अब्बू ने इसलिए कह दिया कि आराम से रोड पे बजा के काट लेना। तो इसे अभी गाड़ी को बाहर निकलवाते हैं, फिर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। चलो भाई पहले कैंडल जला लेते हैं यहाँ पर, हैप्पी बर्थडे। अब भाई ना अब्बू ने वहाँ पर कह रहे गाने मत बजाओ, तो हम रोड पर आ चुके हैं, यहाँ तो बजाएंगे। हाँ बजाएंगे बजाएंगे जरूर ना मेरी जान। तो फटाफट से अभी जला लेते हैं, उसके बाद बजाएंगे गाने, फिर केक कट करेंगे। ओ हो पहली बार माच चलाई है ना भाई ने, तो इसलिए हाथ जल गया। फाइनली चलो सबसे
पहले भाई आते तो मंगाने भाई भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई। चलो भाई मुबारक भाई, गिफ्ट भी दे दो यार। चलो आया मुबारक, आया भाई साथ में आओ, सारे भाई आओ साथ में आओ। चलो भाई चलो, 3 2 1 स्टार्ट। ये भाई भी हैं, भाई भी आ चुके हैं रात को। भाई कैसा लग रहा है तुम्हारा बर्थडे भाई का? बहुत हैप्पी बर्थडे रियान भाई का, बर्थडे है हैप्पी वाला बर्थडे। भाई फाइनली गाने बज चुके हैं, आओ ना सारे सारे तो देख चलो। ये देखो देखो, देख लिया। चलो डांस करके दिखा दो। फाइनली गेम खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बाकी सेलिब्रेशन देखेंगे वो कल करेंगे। जो हमें छोटा सा करना था वो हमने अभी कर लिया, बाकी गेम गेम करना होगा तुम्हारा। अभी ना थोड़ा बंदे कम थे क्योंकि ना सब गाँव गए मैं शादी के अंदर। ये छोटा सा डांस नर बजो नर भी मार गया। केक चोर देख ले ये केक इधर आ। ये देखो भाई, ये घर में केक ले आ रहा है। ओ भाई केक खाएंगे आज, फेंकने वाले नहीं है, गंदी नहीं होनी चाहिए। भाई अंदर से दिखाता हूँ कैसा वो है। हाँ फेंक रहा है, हाँ लो केक खाओ, फेंक रहा है यार। मैं भी खा लेता हूँ, नहीं तो सारे खा जाएंगे, पूछने का कोई है नहीं। ये देखो भाई एक वो भी आ चुके हैं हमारे। ये मैं बता दूँ कौन है, ये वो डाल रहे फोन। चलो जी गाइस, हो चुका है सेलिब्रेशन, अब मिलते हैं सुबह, ठीक है? जो बात है जेनुअल भाई, केक हो रहा है एक नंबर भाई, इतना टेस्टी। और मैं कैसे बताऊं, मैं तो सारा खा गया। ये देखो ये भी आने लग गए, खा के सबको बहुत पसंद आ रहा है। ये वाला केक ना भाई बेकार करने का नहीं था, और कोई सा भी आप भी बेकार मत करे करो, बस केक ला करो और खा ले करो। खा लिया हमने तो, चलो खा लिया। घर पे भी लेकर आ चुका हूँ, अम्मी को भी केक टेस्ट करा देते हैं। लो अम्मी जल्दी से बाइट लो एक केक, खा के बताओ कैसा लग रहा है। महंगी बातचीत पहली बार खा रही है। एक तो यार अम्मी इतना झूठ बोलने लग जाती है ना, तो बोल रहे बिल्कुल सच पहली बार। हाँ तो ये सतरंगी केक की पहली बार आ, देखना इनमें पता नहीं कैसे कैसे कलर है। लेकिन 15 अगस्त को केक बनवाना, लेकिन माशाल्लाह से केक एक नंबर हो रहा है। सिस्टर को भी केक खिला देते हैं। लो सिस्टर फटाफट से तुम भी टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना, सही है। चलो नेक्स्ट मॉर्निंग, फाइनली ना नेक्स्ट डे हो चुका है, और नींद माशाल्लाह से बहुत प्यारी आई है। और ना भाई मैं भी तैयार हुआ हूँ ना कुछ हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता कि बर्थडे सेलिब्रेशन क्या करें क्या नहीं करना। मुझे तो यही लग रहा था कि भाई जो रात को हो गया ना बस उसे ही रहने देते हैं, बाकी चलो जो भी होगा ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं खुद देखूं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता अभी तक। और भाई शुक्रिया शुक्रिया दिल से, आपने इंस्टाग्राम पे इतनी विश कर दी हद से ज्यादा। भाई मैं स्टोरी लगाते लगाते थक गया, लेकिन भाई आप लोगों की स्टोरी खत्म नहीं हो रही, और बहुत सारी विश आ रही है। सबको मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। अभी मैं कार के काशा भी लिया हूँ और कागज लेकर आ चुका हूँ, और हमारी कार यहाँ पे ये खड़ी हुई। ओ बज गए, अभी खराब थी, अब्बू ने भी ठीक कराई है। तो भाई देखो हमारी कार यहाँ पे इतनी गंदी हो रही है, मैंने सोचा भाई अपना थोड़ा सा ना चला के ले आते हैं बर्थडे का ना, ये गिफ्ट समझ लेंगे, अपना कार चला ली। कार तो इतनी गंदी हो रही है, और भाई कह रहा है इस पे ना पहले पानी डलवा लेना फिर चला लेना, देखना कितनी मट्टी जम रही है। और ये रही हमारी कार, ओए 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 ओए। भाई बहुत मजा आता है जब यहाँ पे बैठ जाते हैं ना हैंडल पे, और चलाने में तो आपको पता ही कितना ज्यादा मजा आता है। तुम्हारा भाई ना गाड़ी वहां से अपनी पार्किंग में सब निकाल के रोड पे लेकर आ चुका, सबसे पहले डलवाऊंगा इस पे पानी। और यहाँ पे मैंने सन्नी को बुला लिया, अरसान को बुला लिया, और दानिश भी आ रहा है। मैंने क्या अकेले नहीं जा रहा है, अकेले अच्छा नहीं लग रहा। भाई बैठा हुआ था, भाई कह रहा था मैं नहीं जा रहा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो यूं कह रहा था जल्दी से तू पानी डलवा के लिया, क्योंकि कल हमें घूमने जाना ना बर्थडे। देखो आज तो सेलिब्रेशन नहीं करा, कल ही करेंगे। फाइनली तुम्हारे भाई ने कार चला रही है। भाई वैसे तो चला नहीं आती है यार, पहली बार नहीं चला रहा, क्योंकि देखो मुझे मैंने ना ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार चलाई होगी, और 5-6 बार में मुझे अच्छी खासी कार चलानी आ चुकी है। लेकिन अभी मेरी मुझे ना वाली चलानी नहीं आई, लर्निंग वाली होती जिससे लाइसेंस बनता है वाली भी। चलो कोई बात नहीं, एक दो हफ्ते में ना वाली भी करके हो जाएंगे पास, फिर हमारा लाइसेंस आएगा। चलो भाई फटाफट से चलते हैं अपनी कार धुलवाते हैं। ओफो बहुत ही बहुत मजा आ रहा है। चलो भाई गाने खोलो, जल्दी खोलो गाने खोलो। साले की जान मेरे जो ठोकेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, कुत्ते बिल्ली वो कर
फटाफट से भाई एक इंडोर खुल गया, फिर इसके बाद ना हमारी गाड़ी का नंबर है। भाई कह रहे थे कि अंदर अंदर बाहर से दोनों मिलनी नहीं भाई, अंदर से तो हमारी गाड़ी साफ रहती है, बस बाहर से गंदी हो जाती है, क्योंकि बाहर खड़ी रहती है ना तो धूल जमती रहती है। देखो भूखे नंगे ना इसमें से कार में से उतर नहीं रहे। अबे क्या बिल्कुल ही कहा लेके जाओगे? यस शेर, ये शेर ही शेर करते रहता है, इसकी पता नहीं मैं गर्मी में सड़ जाओगे, बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा है, जल्दी आ जाओ। अरे 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 मेरी चप्पल गिरी कर दी, उतरो जादू ही। अपनी लेला पे ना पानी डल चुका है, अब देखना माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन भाई ये जो अंदर बैठे हुए ना, ये उतरने का नाम नहीं ले रहे, पता नहीं कौन सी कसम खा कहा है जो अंदर बैठे हुए हैं। चलो भाई गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी करके धुलवा देता हूँ। भाई बढ़िया से धो देना जब खुश हो जाए। भाई मैं भी अंदर आके बैठ चुका हूँ और हमारी गाड़ी पे ना अभी बिल्कुल पानी पड़ चुका है, सिर्फ इस पे डलेगा। अभी शैम्पू जो भी लगाएंगे वो लगाएंगे। अभी यहाँ पे चला लिया मैंने एसी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, भपका हो रहा था। इसकी हालत देखो कैसी होगी, दो मिनट में पसीना पसीना। कह रहा था मैं इनसे बाहर बैठ जाओ, लेकिन मैं भी अंदर आके बैठ गया। मैं क्या करता यार अकेला बाहर खड़ा होकर। चलो फटाफट से धुलवाते हैं, फिर चल देखते कहाँ जाना है। वैसे तो घर ही जाना, और कहीं नहीं जाना, कल चलेंगे घूमने। ऐसे कहते हैं कि जब भी गाड़ी धुलवाने जाओ ना तो यहाँ पे इंजन में भी पानी जरूर डलवा लेना। तो अभी भाई से मैंने बोनट खोल दिया, अभी पानी लेकर आ रहे हैं तो पानी भी डाल देंगे। कह रहे थे भाई सरफ मत लगवाओ, तो मैंने कह दिया सिर्फ पानी पानी लगवा लेते हैं। ओए यहाँ तो भाई बारिश होने लग गई है, मुझे नहला दिया भाई ने। तो ये देखो शैम्पू वैम्पू सब लगने लग गया और अपने बोनट में भी पानी लगने लग गया। आ चुका हूँ और मैंने ना यहाँ पे तिरपाल ढकवा दिया। और देखो हमारी तिरपाल का कुत्तों ने क्या हाल करा। कुत्ते भाई देखो यहाँ से यूँ चढ़ते हैं और सीधा कार पे कूदते हैं, तो यार फाड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, न्यू लेंगे। तो अभी मैंने कार धुलवा उलवा के सही करके बिल्कुल ओके की चला के खड़ी कर दी। नन्नी भाई कैसी लगी मेरी ड्राइविंग? बहुत बेकार लगी। आ चुका हूँ और अम्मी मेरी नकल आप ब्लॉग में देखना, मैं इतनी प्यारी ड्राइविंग करके आऊँ, इतनी प्यारी ड्राइविंग करके आया हूँ। अरे हमने तुझे सबने गिफ्ट दिया है, अभी तेरा पुशअप दिलवाऊंगी। 500 मैंने, 500 अरमान ने, 1000 सिस्टर। हाँ तो भाई सिस्टर ने देखो मोटी पार्टी दी है, सिस्टर के होगा ये, अम्मी और भाई के होगा ये। तो अभी अब्बू आ रहे हैं, अभी अब्बू से भी लेंगे, बढ़िया पूरी कर देंगे। देखो मैंने आज तो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करा, कल करने जाएंगे बहुत प्यारी जगह पे। तो इसलिए आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, जो आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। अम्मी ने बना दिया खाने में बकरे का गोश्त, होए भाई खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। फटाफट से प्लेट में करते हैं, बड़ी तेज की भूख लग रही है। अभी लोग इतना ही, तो चलो फटाफट से बोल देते हैं कमेंट। पहला कमेंट है समीर खान, सिस्टर का चैनल लिंक में डाल दो भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना और सिस्टर का चैनल मिल जाएगा और यहाँ पे ना फोटो भी आ रहा होगा। जिसको भाई डिस्क्रिप्शन का नहीं पता होगा तो फोटो देख के ना सर्च मार लेना सिस्टर का चैनल, जल्दी से आगे फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सिस्टर ने डेली व्लॉग बोल रही थी बनाने की, अब देखने भाई आगे आगे बनाती नहीं। वैसे तो मैं भी जब स्टार्टिंग करी थी मैं भी बोलता था कि मैं भी डेली व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन बने नहीं। लेकिन भाई अब मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ डेली व्लॉग बनाने की और माशाल्लाह से भाई अल्लाह के शुक्र से मेरे से डेली व्लॉग बन भी रहे हैं। और दूसरा कमेंट है माशाल्लाह सिस्टर और जीजू अच्छे लग रहे हैं, शुक्रिया। तीसरा कमेंट है माशाल्लाह आपकी बहन बहुत प्यारी है और रियान भाई आप भी शुक्रिया। देखो टाइम देख लो, 2:53 हो रहे, 3 ही बज चुके हैं। इतना टाइम कैसे हो गया? मुझे हो गया व्लॉग एडिट करते करते, क्योंकि भाई देखो अब मुझे ना आपको ना सुबह बिल्कुल टाइम से व्लॉग देना है और मुझे सुबह 9 उठना है, क्योंकि हमारी एक ट्रिप प्लान हो चुकी है छोटी सी, वहाँ भी हमें घूमने आना है। मैंने सारे दोस्तों से बोल दिया तुम्हारा भाई अपने बर्थडे की पार्टी देगा, यहाँ पे नहीं देगा बाहर जाके देगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिल नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।